बाबू भैया सब भाव हम सब संत महापुरुष लिखे सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश राम नाम खति चलो धरी रहो मन धीर बिगड़ी काम संहारिये सीतापति रघुवीर जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगा काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से जी हो आइए धर्म अनुरागी माता और बहनों साथियों बुजुर्गों अपार हर्ष की बात है पावन पवित्र नगरी अरसी में मां भगवती बाबा धर्मराज का नाम पर 48 घंटा महाभगत सम्मेलन का आयोजन रखा गया जिसमें की बहुत भगता पजियार मलगन को आमंत्रित किया गया बारी बारी से आते हैं लोक कथा भगत प्रसन्न से आप लोग का सेवा करते हैं आइए इस जग का सभापति बाबा राम परमेश पंजार ग्राम सिमरिया और अध्यक्ष कहिए संचालक कहिए कार्यकर्ता कहिए जग का मुख्य गार्जन हमारे बाबा सत्यनारायण पजियार ग्राम बोहरबा जीवन दानी जिसके कृपा से यह जग भगत सम्मेलन चल रहे हैं आइए जहां तक आवाज जाते होंगे माइक्रोफोन का आवाज को सुन करके अवश्य जग स्थल पर आवे और लोक गाथा भगत प्रसन्न सुने और सुन करके पुनः का भागी बने आप लोग की सेवा में कोपरिया नगरी से चल करके श्री दिनेश पंजार जी का मंडली आप लोग के सामने उपस्थित है कोई तरह का गलती हो जाए त्रुटि हो जाए आप लोग माफ करेंगे क्षमा करेंगे जो बात आप लोग को अच्छा लगेगा उस बात को रख लीजिएगा जो बात अच्छा नहीं लगेगा उसको आपस कर दीजिएगा मौन करके दिनेश पंजार जी का तरफ चले आएगा ये आइए समय बहुत कम है गायक पजियार ज्यादा है इसलिए माँ भगवती देवी जी से आप लोग का सेवा नहीं कर सकेंगे आप लोग माफ कीजिएगा दोहाई देकर के माँ भगवती का भगत का प्रसंग शुरू करेंगे आइए एक बार श्रोता भगवान बाबू भैया माँ महासव माँ भगवती बाबा धर्मराज के नाम पर ऊंचे स्वर में जयकारा हो जाए जिसकी गाने वाले का भी हौसला नम्हर हो जाता है और सुनने वाले का भी हौसला नम्हर हो जाता है बोलो बोलो मैया भगवती महारानी की जय श्री नारायण
श्रोता भगवान बाबू भैया श्यामा महाशय अंधुबा के प्रसंग सुनो। दोनों फुलवारी सीख गए, दोनों फुलवारी के विरोह में, दोनों फुलवारी के चिंता में माँ अंधुबा के कुसुमावती मलिनिया अंधुबा का कटुक वचन कहे छे। अंधु हमरा कोई के में तू पापी बेटा जन्म लेलो, हमरा कोई के में तू कुकर्मी बेटा जन्म लेलो। अंधु हो यदि हम जानती हो जे तू पापी बेटा बन जे हो कुकर्मी बेटा बन जे हो यह सरिया घर में मकमापुर में मैर देती हो यन दो अंधु बाबा के माँ कुसुमावती मलिनिया कहे छे अंधु बाबा का अंधु यदि हम जानती हो तू पापी बेटा बन के भो आगू चल के कुकर्मी सरिये घर में तोरा हम निमक चटा के मार देती हो एहन बेटा से हम बिना बेटा के रहती है। संत महापुरुष लिखल करिए बेटा से जो बेटी भला जो कुल मंगती हो रंगा बराबर लेब चले सुना बराबर हो। बेटा बदमाश नहीं हुए, बेटा चोर नहीं हुए, बेटा निशाबाज नहीं हुए, वो बेटा से बिना बेटा के भला छे। देखलिए ना खाए धर्म की सभा में कते बड़ा नमहर उपद्रोह कह दल के सब पजियार के सब श्रोता समाज माँ बहन के विचलित कह दल के वो को नमाइए की बेटा रहे लेकिन एहन नहीं होना चाहिए। जे पनियार के नाने खाती लोग दू बरस चार बरस से सोचे छे जे नान बे हम अपना दरवाजा पर हरि के गुणगान करे बे सब पनियार ऐप का पहुंचल छे। देखियो महान महान गायक भगत प्रसन्न के आ तेजा ए कलयुग के बाल बच्चा केहन हो हल्ला कह दल को पद्रोह कह दल के एहन होना चाहिए। अब धर्म की सभा में कोई गलती करे छे तो दंड की भागी बने छे नमहर दंड की भागी तनी मनी नहीं। अंधु बाबा कि माँ कुसुमावती मलिनिया कल के अंधु हमरा कोई तुम तो पापी बेटा जन्म ले लो तू कर्मी बेटा जन्म ले लो माँ कुसुमावती मलिनिया के बाबू भी ऐसे माँ बहन सब माँ कुसुमावती के मल कहल के अंधु बाबा का अंधु हमारा पापी बेटा जन्म ले लो कुकर्मी बेटा जन्म ले लो यदि जानती है जे तू पापी कुकर्मी भए जेबे तो स्वर्गीय घर में तोरा हम निमक चटा के मारि देती हो। माँ के शब्द अंधु बाबा सुनै छे अंधु बाबा के तीर के समान माँ के वचन लै गेले मकमापुर में अतना से